नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल गियर। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये ट्रिफो का वैक्यूम क्लीनर है, ऑटोमेटिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर है जो आपके सामने रखा हुआ है। और जो ये आपके सामने है, ये है चार्जिंग स्टेशन। यानी यहाँ पे मैंने चार्जिंग स्टेशन को सेट कर दिया है। जब भी इसकी बैटरी लो होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा और चार्जिंग लग जाएगा। चूँकि अभी इसकी बैटरी शायद लो है, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में, जैसे कि मेरा मोबाइल है, ट्रिफो होम ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे कि ये ऐप है, और मैं इसको ऑन कर देता हूँ और ऑन करके इसकी सेटिंग कर देता हूँ। और आपको लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद आपको रजिस्टर करके आपको लॉगिन करना होगा। आप इसे ईमेल एड्रेस से या फ़ोन नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं, और मोबाइल से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मोबाइल से मैं ऑपरेट नहीं कर रहा है, और मैं इसको जो है ऑन कर रहा हूँ। जैसे कि ये ऑन का बटन है, और यहाँ पे मैं ऑन का बटन दबाऊँगा तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऑन का बटन प्रेस किया, ये ऑन हो चुका है। और अगर मैं इस पर होम प्रेस करूँगा तो ये चार्जिंग स्टेशन पर जाकर ये चार्ज लग जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर कैमरा भी दिया गया है, यहाँ से आप कैमरा से लाइव सर्विलेंस या लाइव वीडियो चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑन होगा तो ये आवाज़ भी करेगा। और मैं यहाँ पे होम का बटन एक बार फिर से प्रेस कर रहा हूँ तो ये चार्जिंग स्टेशन पर जाकर चार्ज लग जाएगा। और अगर आप मोबाइल से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं या आपके पास थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप इसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे होम प्रेस कर दिया तो ये होम पर जाएगा और वहाँ पे चार्जिंग लग जाएगा। जैसे कि अब देखना कैसे चार्जिंग स्टेशन पे जाता है और चार्ज लगता है। ये देखो, होम प्रेस किया है और ये चार्जिंग स्टेशन पर चला गया, और ये चार्जिंग स्टेशन पर जाकर चार्ज लगा। सफाई अच्छी से करा, जैसे रूम में काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई है, और आप देख सकते हैं कि कैसे चार्जिंग स्टेशन पर जाकर ये चार्ज लग रहा है। और यहाँ पे ये चार्ज हो जाएगा, और आप देख पा रहे हैं, और ये कनेक्ट हो रहा है होम स्टेशन पर जाकर, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है। जैसे कि इसको थोड़ा प्रॉब्लम आया चार्ज लगने में, शायद ये चार्ज नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे सफाई करके दिखाएगा आपको। सफाई देख सकते हैं किस प्रकार से सफाई वैक्यूम क्लीनिंग यहाँ पे शुरुआत है। और ये देखिए, गाड़ी की तरह आगे पीछे होकर चार्जिंग लग रहा है, ये चार्जिंग पे लग चुका है। जैसे किसी ने बोला कि चार्जिंग ये लग चुका है। और अगर आप सफाई करना चाहते हैं तो इसे ऐप से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका अभी ऑन दबा रहा हूँ, और ये चार्जिंग से हट जाएगा और सफाई करके दिखाएगा आपको। ये क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं क्लीनिंग बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। कैसे ये क्लीनिंग करेगा रूम की, हार्ड मिट्टी शायद ही साफ ना कर पाए, लेकिन ऊपरी मिट्टी है। यानी एक तरफ से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आपके रूम को जो है, मिट्टी है या मच्छर मक्खी है या कुछ अन्य चीज़ें हैं, तो इसको क्लीन कर देगा। लेकिन जो एक पोचे वाली सफाई होती है, वो सफाई ये शायद ना कर पाए, लेकिन वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छे तरीके से करा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये अभी क्लीनिंग में जुट चुका है। और ये आपके रूम की हर तरह से कोई भी चीज़ टकराती है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जैसे कि अभी डायरेक्शन चेंज कर ली, और किस प्रकार से सफाई कर रहा है, काफ़ी अच्छी हवा भी दे रहा है। अगर हवा की बात की जाए तो ये आपको पूरी तरह से प्यूरीफाइड एयर दे रहा है। मैं आपको पूरी तरह सफाई दिखाने वाला हूँ, और देखिए कैसे सफाई कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो रूम पे फर्श पे जो मिट्टी जमी हुई है, जो पोचे से ही दूर होगी, वो चीज़ शायद ये नहीं कर पाएगा। लेकिन ये आपके रूम की जो मिट्टी है, अगर आपको पैदल चलना पड़ता है तो मिट्टी शायद आपके पैरों में चिप जाए। और जैसे कि काफ़ी अच्छा है, ये कपड़े को भी खींच रहा है, तो ध्यान रखिएगा शायद कपड़े इसकी जो है पाथ में ना पाए। लेकिन रूम की सफाई की बात है तो ये रूम को अभी देखो, जहाँ से टकराता है तो वहाँ से डायरेक्शन चेंज कर रहता है। आपके रूम की पूरी तरह से सफाई करेगा। ये देखिए, यहाँ पे कीटाणु बीटाणु सब अंदर चले गए हैं, और किस प्रकार से जो मेरे को लग रही है काफ़ी ठंडी हवा भी दे रहा है। मैं यहाँ पे कपड़े को सेट कर देता हूँ, और आप खुद ही देख पा रहे हैं कि क्लीनिंग क्या है। यहाँ पे एक पत्ता रखा हुआ है, पत्ते को देखो किस प्रकार से अंदर ले जाएगा, या थोड़ी देर में जाएगा पत्ते पे। यहाँ पे पत्ता रखा हुआ है, और पत्ते की निगाह पड़ते ही पत्ते को वैक्यूम क्लीनिंग के माध्यम से इसको अंदर भी ले जाएगा। आप देख सकते हैं रूम की सफाई कैसा करता है, आप वीडियो देख के अंदाजा लगा सकते हैं। काफ़ी चीज़ रूम पर गिरी हुई है, और किस प्रकार से ये क्लीनिंग करेगा आप देख पा रहे हैं। इसकी क्लीनिंग मैं आपको पूरी तरह से वीडियो शूट करके देने वाला हूँ, और वीडियो शूट में आप देख चेयर के अंदर चला गया है, और चेयर के अंदर भी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। टोटली मिला के जो फर्श के अंदर जो मजबूती की चीज़ होती है ना, जैसे कि हार्ड क्लीनिंग, जैसे कि दाग धब्बे कुछ मिट्टी आपके फर्श पे टाइटली चिपकाती है, देखो पत्ते को अंदर ले गया, ये पत्ते को भी अंदर लेके जाएगा। और ये देखो, पत्ते के ऊपर से गए तो पत्ता अंदर पड़ेगा, आपका पत्ता नीचे नहीं मिलेगा ग्राउंड पे, तो पत्ते को पूरी तरह से अंदर ले गया।
और ये नॉर्मल क्लीनिंग है इसकी, वो पत्ता भी अंदर चला गया है, इसको नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं। अगर आप पूरी तरह से और भी हार्डली वैक्यूम चलाना चाहते हैं, वैक्यूम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप मोबाइल ऐप से ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपके रूम के हर कोने तक ये पहुँचेगा। दूसरी बड़ी बात है, इसमें आपको वीडियो सर्वेलेंस, यानी आपको वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको वीडियो भी मिलेगा और आपके रूम की हर तरह से सफाई ये कर रहा है। इसको जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे ये अपनी डायरेक्शन मूव कर देता है। जैसे काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो रही है और अभी मैं आपको देख सकते हैं, आप जितना चाहे वीडियो को देखिए, आगे कुछ और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और क्लीनिंग करते करते मैं वीडियो की सेटिंग कर लेता हूँ, तब तक रजिस्टर करना पड़ेगा, मैंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। तब तक आप इसकी क्लीनिंग देख सकते हैं, रूम की क्लीनिंग पूरी तरह से शूट कर रहा हूँ मैं, कैसे कैसे काम कर रहा है, ताकि आप लोगों को परचेज करें तो हर क्वेश्चन आपके हर डाउट क्लियर हो जाए। ये देखिए रूम के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, पूरी तरह से सफाई कर रहा है, लेकिन जो दाग धब्बे होते हैं ना, जैसे कि दाग धब्बे होते हैं कुछ जो रूम पे हार्डली चिप जाते हैं, जिसको पानी से क्लियर किया जाता है, वो चीज़ शायद ये क्लियर ना कर पाए, लेकिन बेसिक क्लीनिंग ये पूरी तरह से कर रहा है। जैसे कि अभी रात का टाइम है तो वीडियो शायद आपको क्लैरिटी ना मिल पाए, लेकिन फिर भी कैनन 60D से शूट हो रही है तो काफ़ी अच्छी वीडियो क्लैरिटी आपको दे रहा है। और बार बार एक जगह पर भी जा रहा है और डायरेक्शन का जो एल्गोरिथम है अभी फ्लो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ये क्लीनिंग दे रहा है, कहाँ पे घूमेगा कहाँ पे नहीं घूमेगा। ये चीज़ अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, इसे आप ईमेल एड्रेस से भी रजिस्टर कर सकते हैं और कंट्री आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडिया सेट कर रहा हूँ, ऐप के अंदर बता रहा हूँ, ऐप के अंदर आपको कंट्री सिलेक्ट करना है और लॉगिन से पहले आपको रजिस्टर करना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देनी होगी, ये चीज़ ही आपके मोबाइल पे हो जाएगी। और मैं यहाँ पे पिन भी दर्ज कर रहा हूँ, पिन आपको SMS से मिलेगी जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी। ये क्लीनिंग आप देखते रहिए, मैं इसकी आपको हार्ड क्लीनिंग भी दिखाऊंगा। अभी ऐप की सेटिंग हो रही है और ऐप की सेटिंग के बाद इसको आपको हार्ड क्लीनिंग भी मिलेगी। तो मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ, तब तक आप क्लीनिंग देख सकते हैं इसकी। और ये क्लीनिंग है, बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 घंटे तक आपकी क्लीनिंग कर सकता है ये, एक बार फुल चार्ज होने के बाद। देखिए इसको भी पूरी तरह से हिला दिया है, इसको भी एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाके डाल दिया स्टैंड को, कैमरा स्टैंड है। काफ़ी अच्छी क्लीनिंग है, मेरे को काफ़ी पसंद आ रही है घूम घूम कर इसका ब्रशेज, नॉर्मल क्लीनिंग। अभी वेरिफिकेशन करेगा, SMS आ चुका है और इस ऐप का मैं रजिस्टर कर चुका हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ। आपको रजिस्टर करें तो ये चीज़ डालनी है, मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल नंबर डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है, पासवर्ड वगैरह डालना है, तो उसके बाद ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। और रजिस्टर्ड होने के बाद आप इसे लॉगिन कर सकते हैं, और मैं इसे लॉगिन कर चुका हूँ ऐप को। और जहाँ तक ऐड डिवाइस की बात है तो यहाँ पर आपसे मॉडल मांगा जाएगा, तो इसकी मॉडल की बात की जाए तो मॉडल मैं बॉक्स पे चेक कर लेता हूँ कौन सा मॉडल है। ये सफाई चल्लू है, इफको मैक्स मॉडल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैक्स मॉडल है। तुम ये यहाँ पे आके वायर के अंदर फंस गया, तो दोस्तों वायर के अंदर ये बंद हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे वायर इसको दिखाई दी तो वायर के अंदर ये बंद हो गया है, तो मैं वायर को ऊपर कर देता हूँ और फिर से इसका ऑन बटन आपको दबाना पड़ेगा। जहाँ पे वायर मिलेगी तो ये स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने ऑन दबा दिया है, और वायर पे ये बहुत ही कम काम करता है, जैसे वायर मिलती है ना तो इसको स्टॉप होना पड़ता है, तो ये यहाँ पे वायर मिली और स्टॉप हो गया। चलिए इसकी क्लीनिंग के दोबारा प्रोसेस देखता हूँ मैं बटन दबाकर, क्योंकि ऐप अभी चली नहीं। और ये ऑफ हो चुका है, दोबारा से फिर से मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये ऑफ हुआ है और ये ऑन हो चुका है और फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं।
ऑन में इसको कर चुका हूँ, क्योंकि वायर आ जाती है तो उस टाइम ये ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, रूम में मैंने भी ध्यान नहीं दिया, नीचे मेरी वायर रखी थी तो जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आई। ये आपके वाईफाई का पासवर्ड मांगेगा, तो वाईफाई का पासवर्ड हो चुका है, तो यहाँ पे क्या QR कोड इसको देना पड़ेगा। जो QR कोड वगैरह स्कैन करने होते हैं, तो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। तो ऐप सेटिंग आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्लीनिंग। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, फिर भी आपको कुछ और चीज़ रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको ऐप से कंट्रोल करने वाला हूँ, तो ये चीज़ सेटिंग करने वाला हूँ, अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट कर सकते हैं।